आज मैं एक बहुत ही रहस्यमय कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें ना तो कोई कत्ल है, ना कोई बलात्कार है, ना कोई अपहरण है, ना कोई लूट है, लेकिन इसके बावजूद ये कहानी इतनी अजीब है कि इसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। कोरोना काल में गवर्नमेंट रूल्स और बिहेवियर आप सबके मन में शंका पैदा कर रहे थे। ये भी सुनने को मिल रहा था कि लोगों के किडनी निकालकर उन्हें मार दिया जाता था और बोला जाता था कि कोरोना से मर गया। आज की कहानी कुछ हटके है, लेकिन इसी कोरोना काल के साजिश से जुड़ा हुआ है। कहानी पूरा सुनिए और कमेंट करके बताइए कि इस साजिश का असली मकसद आप लोगों को क्या लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्टोरी है मध्य प्रदेश के धार जिले की। 22 अप्रैल 2023, यहाँ एक सरदारपुर कस्बा है और इस कस्बे में एक गांव है बड़बेली। इस गांव में उस दिन सुबह एक घर की दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। दरवाजे तक घर के लोग पहुंचते हैं। घर है मुकेश पाटीदार नाम के एक शख्स का। मुकेश दरवाजा खोलता है और सामने वाले को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हंसे, रोए, चिल्लाए या भाग जाए। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। असल में मुकेश ने जब दरवाजा खोला तो सामने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका भांजा था, कमलेश पाटीदार। और वो अब से करीब 2 साल पहले कोरोना काल में, कोरोना के दूसरे लहर में, लंबे समय तक अस्पताल में जूझने के बाद मर चुका था और घर वालों ने खुद अपने हाथों से कमलेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। सोचिए, अगर कोई इंसान 2 साल पहले मर चुका हो और उसका अंतिम संस्कार हो चुका हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अपना हो, अगर वो आपके सामने फिर से आ जाए तो कैसी परिस्थिति होगी, कैसी हालत होगी। तो मुकेश पाटीदार की हालत कुछ वैसी ही थी। लेकिन जब कमलेश ने उसे मामा कहकर पुकारा तो मुकेश को एहसास हुआ कि अरे नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। फिर उसने कमलेश को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा, खुशी के आंसू आ गए। इस तरह से कमलेश, जो 2 साल पहले मर चुका था, उसकी एक बार फिर से अपने परिवार में एंट्री हुई। फिर मुकेश ने अपने बड़े भाई और अपने जीजा मतलब कमलेश के पापा को ये सब कुछ बताया। कमलेश के पिता गेंदालाल पाटीदार, बुजुर्ग गेंदालाल ने अब से करीब 2 साल पहले खुद अपने बेटे की अर्थी उठाई थी। अब उनसे रहा नहीं गया और अपने साले से बोले कि मुझे कमलेश को वीडियो कॉल में देखना है। फिर सब घर वालों ने कमलेश के साथ वीडियो कॉल पे बात की। फिर गेंदालाल पाटीदार और घर के सारे लोग पहुंचे मुकेश के घर। उसे देख के उन्हें यकीन हो गया कि हाँ, ये उन्हीं का बेटा है। दिखता भी वैसा है, बात भी वैसे ही कर रहा है। थोड़ी दाढ़ी जरूर बढ़ गई है और थोड़ा परेशान दिख रहा है। फिर बाड़बेली में मेला जैसा माहौल हो गया, बहुत भीड़ जमा हो गई और सारे लोग खुश थे। और इसी भीड़ में एक इंसान ऐसी भी थी जो पिछले 2 साल से विधवा की जिंदगी जी रही थी। वो थी कमलेश की पत्नी रेखा। एक एक दिन बहुत भारी मन से जी रही थी रेखा। अब फूट फूट के रोने लगी और उसे संभाल पाना मुश्किल था। घर वालों ने कमलेश को कहा कि तुम फिर से रेखा की मांग भरो। फिर वो रस्म भी पूरी हुई। अब सवाल ये है कि अगर कमलेश जिंदा है तो 2021 में जिसकी मौत हुई और अंतिम संस्कार हुआ, वो कौन था? कोरोना का दूसरी लहर का वक्त था और कमलेश कोरोना का शिकार बन गया, बीमार हो गया। जब वो पहली बार बीमार हुआ तो उसी गांव के पास एक सरदार अस्पताल में ले जाया गया। वहां पे कुछ दिनों तक उसका इलाज हुआ। फिर उसकी तबीयत और बिगड़ी। आपको पता ही है कि सेकेंड वेव बहुत ज्यादा घातक था। फिर घर वाले कमलेश को इंदौर के एक अस्पताल ले गए। कुछ दिन बाद उसकी हालत बेहतर हो गई। फिर घर वाले कमलेश को वापस घर ले आए। रिकवरी के दौरान कमलेश के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गई और बहुत तेजी से उसका वजन बढ़ रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि मामला कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसे गुजरात ले जाइए। अब कमलेश के घर वाले जवान बेटे को लेकर गुजरात गए और वडोदरा के एक प्राइवेट अस्पताल में इसको भर्ती कर दिया। कुछ दिनों के इलाज के बाद उसी अस्पताल में कमलेश की मौत हो गई। क्योंकि कोविड का संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ था तो अस्पताल वालों ने कमलेश की परिवार को उसकी सील पैक्ड डेड बॉडी थमा दी, जो एक प्लास्टिक के पैकेट में था, और उसके अंतिम संस्कार करने को बोले, लेकिन कम से कम टच करके ताकि संक्रमण ना फैले। फिर घर वालों ने उसी लाश का
उसी हाल में अंतिम संस्कार कर दिया। गांव आने के बाद उसका श्राद्ध कर्म हुआ। रेखा ने एक विधवा की तरह अपनी लिबास चेंज कर लिया। अब जब कमलेश लौट आया तो घर वालों ने पूछना शुरू किया कि तुम 2 साल तक कहाँ थे, अस्पताल से कब लौटे, इतने दिन तक हमसे संपर्क क्यों नहीं किए। फिर कमलेश ने चौंकाने वाली बात बताई। कमलेश ने बताया कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, वो अस्पताल में था, फिर कोविड से पूरी तरह ठीक भी हो गया, लेकिन कुछ लोग, पता नहीं वो अस्पताल के थे या बाहर के, वो लोग उसे ठीक होने के बाद भी लगातार इंजेक्शन लगा रहे थे और इंजेक्शन लगा के उसे वडोदरा से अहमदाबाद ले गए थे। वहाँ एक कमरे में उसे कैद करके रखा गया था और उसी के तरह वहाँ 4-5 और लोग थे और उन्हें भी इंजेक्शन लगाया जाता था। उनको दिन में 2 बार खाना दिया जाता था, 1 बार चाय पिलाई जाती थी और उनसे काम करवाया जाता था। फिर घर वालों ने पूछा कि क्या काम करवाते थे, तो कमलेश ने बोला कि मुझे याद नहीं, इंजेक्शन से दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो चुका था। 20 अप्रैल को उन सारे कैदियों को एक गाड़ी में बिठाकर किसी दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। गाड़ी कहीं रुका हुआ था चाय पानी के लिए, तभी कमलेश को मौका मिला और वो वहां से निकल गया और इंदौर के बस पकड़ के सीधे धार पहुंचा। फिर उसने लोगों को बड़बेली के रास्ता पूछा, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था सब कुछ। फिर पूछते पूछते वो अपने मामा के घर पहुंचा और आगे जो हुआ मैंने वो आपको सब बताया। तो ये थी कोरोना काल में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट का काला सच। आगे इस मामले में जो भी नए खुलासे आएंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है बहुत सी साजिशें अब और सामने आने वाली है। आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जाते जाते एक माफी चाहूंगा पिछले वीडियो के लिए जो मैंने एक भूत की कत्ल की कहानी सुनाई थी। दरअसल वासुदेवपुर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। दिल से माफी चाहता हूँ, मैंने बोला था कि वो बालेश्वर का है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।